मैं सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखिए एक मैत्री दौड़ है, मैत्री दौड़ है, पहले बताना चाहेंगे एक प्रोत्साहन देने के लिए, एक रिलेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे दौड़ रहे थे और इंडियन साइड से ये बात की गई थी और इस तरीके से कार्यक्रम फिर करेंगे हम। ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे परसों डिसाइड हुआ कि आज करना है, तो उतने कम समय में ये सब ऑर्गेनाइज हुआ है। मीटिंग का टाइम भी हमारा मिस नहीं था, लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण कुछ चीजें थी जो आपको डिस्कस करने थी, इसलिए इसको आगे बढ़ा। मैं यहाँ पे रक्षण वासियों को यहाँ के चेयरमैन साहब आए हुए हैं, नगर अध्यक्ष अजय गुप्ता जी जो इंडो नेपाल चैम्बर के अध्यक्ष है, रक्षण चैम्बर अध्यक्ष सांसद महोदय के प्रतिनिधि मैडम और ये पूरी टीम जो है, डीडीसी साहब, डीपीओ साहब, इनकी पूरी टीम, इनको धन्यवाद देता हूँ। चलो 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 जी सर, चेक कीजिए आप तैयार हैं ये परिसर का चुनाव इसलिए किया गया कि ये कहीं ना कहीं भारत का ही हिस्सा है, ये भारतीय महापाणी को दूतावास का गेस्ट हाउस है जिसके बारे में आप अवगत हैं। भारत नेपाल के संबंध काफ़ी गहरे हैं, पुराने हैं और बेसिकली आज हमारा बॉर्डर एरिया का मीटिंग है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है जिसमें पूर्वी चंपारण और नेपाल के जो जिले हैं वो आने वाले थे, तो सीडीओ साहब उनके, एसपी साहब उनके आए थे यहाँ पे। ये दौड़ बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव, जल जीवन हरियाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्त बिहार जो अभियान है, इस थीम पर इसको किया गया था और ये इस तरह के कार्यक्रम फिर से किए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य के बारे में लोग जागरूक रहें। और सभी लोगों को मैं रक्सौल वासियों को धन्यवाद देता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ के नगर पालिका, यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस के पदाधिकारी, सबको धन्यवाद देता हूँ। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।